बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से CS601 क्विज़ 1 का सलूशन। ये एक ग्रैंड फाइल है, इसके अंदर काफ़ी सारे क्विज़ हैं। इंशाल्लाह आप जब क्विज़ करेंगे तो इसमें से 6, 7, 8, इवन के 10 भी आपको क्विज़ आ सकते हैं। ये ग्रैंड सलूशन फाइल है। आज 6 अगस्त को जो क्विज़ हुआ है CS601 का क्विज़ नंबर 1, ये उसका सलूशन है। ये सलूशन फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि एक्यूरेट और टाइमली सलूशन आप तक पहुँच सकें। ये ग्रैंड सलूशन फाइल है, चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यही होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल, वो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके जी, मैं जल्दी से कनेक्शन कंट्रोल जो फीचर होता है वो डाटा लिंक लेयर का होता है। और एक बात ध्यान रखनी है आपने, मेरे एरोज़ का ध्यान रखना है, जो एरोज़ हैं ये करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, डाटा लिंक लेयर जो होती है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग नोड टू नोड कम्युनिकेशन, डाटा लिंक लेयर। अच्छा, ये बड़ा सादा सी बात है कि हम बात ही जो हमारा इस वक्त टॉपिक है डाटा लिंक लेयर है, बाकी लेयर तो आएगी नहीं। इज़ एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच इज़ यूज बाई पैप, जिस तरह के नाम से जाहिर है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज फॉर बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ओके जी, इन लीनियर कोड ब्लॉक ZOR। अच्छा, जो एरो ऐसे होगा इसका मतलब है मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए मैंने ये एरो लगाया हुआ है। इन केस ऑफ हाई डाटा रेट द नंबर ऑफ इंपैक्टेड बिट विल बी लोअर, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटा लिंक कंट्रोल। उसका मॉड्यूलेशन उसका फंक्शन होता है, फ्रेमिंग होता है, एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, मॉड्यूलेशन उसका फंक्शन नहीं होता। जो एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करते हैं उसे रिडंडेंट बिट कहते हैं, आसान है। अच्छा जी, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेम डील विद ट्रांसफर ऑफ मोड्स, आई फ्रेम, यू फ्रेम और एस फ्रेम। मैं नाम भी बता रहा हूँ, आई, यू एंड एस फ्रेम्स रेफरेंस के तौर पर। ASCII, ये रिपीट हो गया। मैंने हालांकि बहुत सारे क्विज़ किए उसमें से रिपीट नहीं, कोशिश की है कि यूनिक निकालूं। यूज टू स्टॉप एंड वेट, ये जी फ्रेम सीक्वेंसिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबरिंग। द मैसेज 110, तो 11110 सिंगल बिट एरर है जी ये, ठीक। ये मैंने असाइनमेंट में भी समझाया था। ट्रिपल पी, इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइडेड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ऑफ के बिट्स कॉल्ड डाटा वर्ड। याद रखिएगा डाटा वर्ड कहलाता है ये। जब इसमें आप मज़ीद भी टैड कर सकते तब ये कोड वर्ड कहलाता है। अच्छा, टू स्टेप जो होता है वो पैप होता है और थ्री स्टेप जो होता है वो चैप होता है। याद रखिएगा चैलेंज हैंड शेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये थ्री स्टेप्स होता है और पैप टू स्टेप होता है, डेटा लिंक लेयर। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेटा लिंक लेयर। अगर टू और मोर बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाए तो उसमें बर्स्ट एरर कहते हैं। ये मैंने असाइनमेंट में भी समझाई थी बात। ट्रिपल पी यूज़ करता है, पैप एंड चैप को कौन यूज़ करता है? ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन के लिए। ये आ गया जी, व्यू भी मैंने ऐसा रखा है, हाई डेफिनेशन है ये, ताकि बहुत आसानी से पढ़ हो। इन प्रोटोकॉल द सेंडर फ्रेम टाइम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन, स्टॉप एंड वेट। अच्छा जी, जो ARP होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो ब्रॉडकास्ट करती है लेयर थ्री एड्रेस को लेयर टू एड्रेस में मैपिंग करने के लिए। तो पहला एड्रेस तो उसका क्या होता है, पहला ब्रॉडकास्ट होती है। ये रिपीट हो गया, रिडंडेंट बिट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लें। इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ टू एरर्स इन 8-bit स्ट्रीम, 8-bit के अंदर अगर आपने लोकेशन फाइंड करनी है कहाँ पे आया है, डिफरेंट कम्बिनेशन, 4 डिफरेंट कम्बिनेशन बनते हैं 1, 2, 4, 8। तो हमने यहाँ पे बिट्स लगा के उसको चेक करना होता है।
ये कन्फर्म है, फिर भी मैंने इसके ऊपर एरो ऐसे कर दिया है। मेरी बात आप समझ गए हैं, 8 बिट हैं टोटल, हमने उसमें एरर लोकेशन फाइंड करनी है। तो ये बिट हम ऐड कहाँ पे करते हैं, पहली 1 पे, दूसरी 2 पे, तीसरी 4 पे, मतलब 2's पावर में, 2's पावर 0, 2's पावर 1, 2's पावर 2, 2's पावर 3, 2's पावर 3 8, तो बिट कितनी हो गई, 4। ये कन्फर्म है, इवन दैट मैंने इसके ऊपर एरो ऐसे कर दिया है। ये वो ही ब्रस्ट एरर आ गया जी। जूम में ज़रा नॉर्मल कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। पर यूनिट टाइम सिग्नल रेट कहलाता है। इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिटेल डाटा टू डिटेल सिग्नल लाइन कोडिंग। बाकी CSMA होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, क्लूजन डिटेक्शन और क्लूजन अवॉइडेंस। ये लाइन कोडिंग और सेगमेंटेशन तो बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर फ्रेम का एड्रेस जो है FFFFFFO ठीक 16 के 16 FO, तो ये ब्रॉडकास्ट होती है। ये 1 1, ये 1 का 0 हो गया, ये 1 1, ये 0 का 1 हो गया, तो इसका मतलब ये ब्रस्ट एरर है। ओके, सादा है। नेटवर्क लेयर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको सर्विस प्रोवाइड करती है, नेटवर्क लेयर को, अपन अपने से अपर लेयर को। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों, आपको ये सॉल्यूशन फाइल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ साथ जितने भी क्विज़ हो रहे हैं वो, अगर आपको टाइमली उनका सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।